नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी और साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी का नाम है मैगी सैंडविच। तो सबसे पहले हम मैगी बना लेंगे। मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मैगी क्यूब्स लिए हैं, एक छोटा चम्मच राई, एक छोटा चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, मटर, गाजर, कॉर्न और हरा धनिया। मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें राई डालना है और जैसे ही राई फूटने लगेगी तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हमें इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डालना है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च डालेंगे, इसके बाद इसमें टमाटर डालें और अच्छे से मिक्स कर ले। अब हमें मटर डालना है, मटर डालने के बाद हमें गाजर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मटर और गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारा मटर और गाजर अच्छे से पक गया है। इसके बाद हमें इसमें कॉर्न डालना है। कॉर्न को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। तो ये पानी डाल दिया है मैंने। अब हमें इसमें मैगी मसाला डाल देना है और इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। ये देखिए, ये अभी बॉईल होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसमें मैगी के क्यूब्स डालेंगे। तो इस तरह से तोड़ के डाल दें और इसमें हरा धनिया डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, तो इसे थोड़ा सा बॉईल होने दे। इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे ढक के रख दे। 2 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारी मैगी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैगी सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया है, बटर लिया है, ये गार्लिक बटर है, आप चाहे तो नॉर्मल बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेज मेयोनीज, टमाटो केचप, टमाटर, खीरा और मैगी। सबसे पहले हम ब्रेड को बटर लगाएंगे। तो इस तरह से ब्रेड को बटर लगा लें, इसी तरह से चारों ब्रेड को भी बटर लगा लेना है। इसी तरह से हम इस पे वेज मेयोनीज लगाएंगे। वेज मेयोनीज से सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। वेज मेयोनीज बाजार में अवेलेबल है, तो आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाके वेज मेयोनीज खरीद सकते हैं। अब हम इस पे सॉस लगाएंगे। तो इसी तरह से चारों ब्रेड पे सॉस लगा लेना है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें टमाटर रखना है और इसी तरह से खीरा भी रख देना है। अब हम इस पे मैगी रखेंगे, इस तरह से मैगी रख देना है। इसके कॉर्नर्स पे अच्छे से मैगी रखना है, इसी तरह से दूसरे वाले पे भी अच्छे से मैगी रख ले। अब हम इसे दूसरे वाली जो ब्रेड स्लाइस है उससे कवर कर लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको थोड़ा सा गरम करके दिखाने वाली हूँ। कि यहाँ पे पैन गरम हो गया है। अब हम पैन को थोड़ा सा बटर से ग्रीस करेंगे और बटर जलने से पहले ही सैंडविच रख देना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर से बटर लगाना है और इसे उल्टा कर देना है। कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसे पैन पे गरम करेंगे। ये देखिए, ये सैंडविच अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, अब ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सैंडविच गरम कर लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर दिया है। ये बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। हमारा मैगी सैंडविच बनके तैयार है। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।